10 प्लस टू स्टूडेंट, आज हम आपको इश्यू ऑफ शेयर करवाने जा रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले में शेयरों को इश्यू करना। सपोज करो हमारी कंपनी कहीं से भी फिक्स असेट खरीदती है और उसके बदले में जो हमने उसको प्राइस देनी है वो हम नकद ना देकर उसके बदले में शेयर दें। नंबर दो बात, हमारी कंपनी को लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर्स को हम उनकी सर्विसेज के बदले में नकद पैसे देने की बजाय उनको शेयर देना। इसी प्रकार अगर कंपनी शुरू में अपने शेयर खुद ना बेचकर किसी भी दलाल की सहायता से बिकवाती है उसे हम अंडरराइटर कहते हैं, और अंडरराइटर को उनके कमीशन को नकद देने की बजाय उसके बदले में शेयर देना वो कहलाता है हमारा इश्यू ऑफ शेयर अदर कंसीडरेशन देन कैश। इसी प्रकार से एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीदती है और जो उसकी हमने प्राइस देनी है परचेज कंसीडरेशन प्राइस, उसको हम नकद देने की बजाय उसके बदले में हम उनको शेयर देते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हमने आपके सामने ये क्वेश्चन बनाया है, इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एबीसी कंपनी है, उसने एक्स वाई जेड को खरीदा 10 लाख रुपए में असेट्स ली और 3 लाख रुपए में लायबिलिटीज ली और पीसीपी 7,20,000 रुपए तय हुआ। इस केस में बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। हमने 10 लाख रुपए की क्या ली असेस्ट और 3 लाख की क्या ली लाइबिलिटीज। टोटल असेस्ट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, तो ये हो गया हमारा 7 लाख। अब हम देखेंगे पीसीपी कितना तय हुआ। पीसीपी आपका 3 तरह से तय हो सकता है। अगर आपका पीसीपी 7 लाख ही तय हुआ और उनके बनते भी कितने हैं 7 लाख, तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। और यदि खरीदने वाली कंपनी को ज्यादा पैसे देने पड़े पीसीपी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बिजनेस देन इट कॉल्ड गुडविल। तो यहां पर पीसीपी आपकी तय हुई 7,20,000 और वैल्यू ऑफ बिजनेस है हमारा 7 लाख, तो 7,20,000 में से 7 लाख माइनस कीजिए, ये हमारा 20,000 गुडविल कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको पैसे कम देने पड़े 6,80,000 रुपए देने पड़े तो खरीदने वाली कंपनी के लिए कैपिटल नेचर की इनकम हो जाएगी और उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। वहां पर वैल्यू ऑफ बिजनेस ज्यादा होगा और पीसीपी कम होगा। तो यहां पर हमारे पास पैदा हो रही है गुडविल। अब हमने 7,20,000 रुपए एक्स वाई जेड कंपनी के देने हैं, तो एबीसी कंपनी ने 7,20,000 रुपए के बदले में शेयर दिए। पहले केस में कंपनी ने शेयर 100 रुपए वाला 100 रुपए में दिया, दूसरे केस में कंपनी ने 100 रुपए वाला शेयर 120 रुपए में दिया। तो फर्स्ट केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर 7,20,000 डिवाइडेड बाई 100 7,200 और आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी 7,20,000। इन दैट केस हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हो जाएगी खत्म और इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगी स्टार्ट। सेकंड केस, आपने 7,20,000 देने हैं और एक शेयर 120 रुपए में दिया तो नंबर ऑफ शेयर आपका कहलाएगा 6,000
और आपकी शेयर कैपिटल कहलाएगी 6 लाख। तो आपने 7,20,000 के बदले में 6 लाख का माल दिया, तो ये 1,20,000 कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम चलते हैं एंट्रीज की तरफ। पहली एंट्री, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू लाइबिलिटीज 3 लाख, टू एक्स वाई जेड कंपनी 7,20,000। और इसकी नरेशन ध्यान से सुन लीजिए, फोर परचेजेज फिक्स असेस्ट एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम द एक्स वाई जेड कंपनी। नेक्स्ट एंट्री, एक्स वाई जेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू एक्स वाई जेड कंपनी फॉर देयर परचेज कंसिडरेशन प्राइस एट पार। फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू एक्स वाई जेड कंपनी फॉर देयर कंसिडरेशन प्राइस एट पार। केस नंबर 2। अब हमारी पहली एंट्री फिर से रिपीट होगी और हमने उनके देने हैं 7,20,000 और 7,20,000 के बदले में हमने एक शेयर 120 रुपये में दिया, तो आपकी एंट्री बनेगी एक्स वाई जेड कंपनी अकाउंट डेबिट 7,20,000, टू क्या करेंगे शेयर कैपिटल 6 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000, फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू एक्स वाई जेड कंपनी फॉर देयर कंसिडरेशन प्राइस एट प्रीमियम। कंपनी ने अपने शेयरों को प्रीमियम पर जारी किया। इसके बाद फिर हम चलते हैं, कंपनी ने 2000 शेयर प्रमोटर्स को दिए। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनका काम कंपनी का निर्माण करना होता है, ये आपने प्लस वन में बिजनेस स्टडी में पढ़ा था। और जैसे ही कंपनी का निर्माण हो जाता है ये अपनी सर्विसेज के पैसे लेते हैं और अगली कंपनी का निर्माण करते हैं। तो हमने इनकी सेवाओं के बदले में 2000 शेयर दिए, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, इसका मतलब हमने 2,00,000 रुपये के शेयर दिए। इसको हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं और हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज इसी तरह से कंपनी ने अपने शेयर खुद ना बेचकर यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की सहायता से बिकवाई और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कमीशन बनता है 3,00,000 रुपये। तो हमने उनको उसके बदले में शेयर दिए, इसे हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर अंडरराइटर कमीशन। तो सबसे पहले हम कमीशन ड्यू करेंगे, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूटीआई। अंडरराइटर कमीशन हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के अनुसार हम इसे डेबिट करेंगे और यूटीआई को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनका कमीशन देना बाकी है। तो हमारा आ जाएगा अंडरराइटर कमीशन ड्यू। फिर हमने 3,00,000 के बदले में उनको क्या दिए शेयर, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी यूटीआई डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। ये होता है जी हमारा इश्यू ऑफ शेयर अदर कंसिडरेशन देन कैश, यानी कि कैश के अलावा कंपनी जब भी अपने शेयरों को और किसी प्रतिफल के बदले में इश्यू करती है उस टॉपिक को हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर अदर कंसिडरेशन देन कैश। इस टॉपिक पर आपने सवाल करने हैं। दैट्स ऑल।